देखिए दोस्तों कितना खतरनाक घाटी है। कैसा लग रहा है कुणाल? अच्छा लग रहा है। देखिए भाई ये है दलिंग राजा का व्यू। यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ है बहती है। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आज वीडियो में हम लोग जा रहे हैं कोकान घाट। वहाँ जबरदस्त झरना देखने को मिलेगा, घाटी देखने को मिलेगा। वीडियो आप लोगों को कैसे लगेगा दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे इस यूट्यूब चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं कोकान घाट और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इधर से रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बालोद जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से चिकला कर से राइट टर्न लेंगे। और हम लोग जा रहे हैं बाइक से, वहाँ के घाट देखेंगे और वहाँ हम लोग दोस्तों सुकून के पल जीने वाले हैं क्योंकि चारों तरफ हरियाली होगी और शोर शराबा से दूर और झरना देखने को मिलेगा। कुणाल ठीक आ रहा है? तो ये है दोस्तों बालोद रोड, सीधा दुर्ग जाता है, इसी से आप लोग रायपुर जा सकते हैं यही रोड से। और ये हमारा उप तहसील आता है ये दल्ली राजरा। और अभी हम लोग रिसेंटली गए थे अर्जुन रथ देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का, वहाँ हम लोगों को देखने को मिला। और दल्ली राजरा आप लोग आते हैं तो ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं और एरोप्लेन तो यहाँ पर नहीं चलता है। आप लोग एरोप्लेन से आएंगे तो रायपुर में आना पड़ेगा, ठीक है? रायपुर से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। तो अभी अपना गाड़ी का स्पीड है 40 होने वाला है, 30 और 40 के बीच में ही चलाते हैं यहाँ पे सिटी में। और हमें यहाँ से चिकला कसा ये चौक है, यहाँ से हमें दोस्तों राइट टर्न लेना है, ठीक है? इंडिकेटर तो जला दिए हैं। और यहाँ पे ज़बरदस्त ब्रेकर है, थोड़ा सी हिचिक होगा। अब यहाँ से अच्छी रोड मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? ये चिकला कसा है और चिकला कसा में हमारे गांव में बहुत सगा वगा है। कुणाल के सगा घर है, कहते हैं पिछू बैठे थे। यहाँ देख ही सकते हैं ये जो ऐसा होता है ना, यहाँ पे गार्डन होता है उसको कुछ दिनों बाद तोड़ फोड़ देते हैं, देखभाल नहीं करते दोस्तों। गवर्नमेंट चीज़ का कोई देखभाल नहीं करते, मतलब सार्वजनिक चीज़ का। और ये है चिकला कसा, चिकला कसा यहाँ पे जनपद प्राथमिक शाला चिकला कसा लिखा रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त टर्न है। और हम लोग यहाँ बिजली बिल जमा करने के लिए आते हैं, लेकिन आजकल हम लोग ऑनलाइन करते हैं मोबाइल तो नहीं आते हैं, कुछ काम होता है बिजली ऑफिस तभी आते हैं। कुणाल कुणाल फोकट मत गुट जाओ, देख तो कैमरा किससे है, बात करना है तो वहाँ उतर के बात करोगे, ठीक है? छोटे छोटे बच्चे लोग हैं मेरे साथ। ये जो ब्रेकर है बहुत गलत तरीके से बनाया गया है, ऐसा ब्रेकर कोई नहीं बनाता है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कर दिया है इसको, देखना यार ऐसे ब्रेकर कौन बनाता है भाई। इस रोड से दोस्तों खलारी जा सकते हो, सिंगन वहीं जा सकते हो। खलारी जाने के लिए रोड बताऊंगा आप लोगों को, अड़जाल होते हुए आप दोनों रास्तों से जा सकते हैं। एक बार फिर कैमरा चेक करते हैं कुणाल, ठीक आ रहा है ना? तो पहली बार है दोस्तों आज ना हम लोग फुल यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं कैमरा का, कैमरा माउंट का और इस माइक का भी। देखिए ना यार कितना बड़ा, कोई स्पीड में आएगा ना और पता नहीं रहेगा, ये ब्रेकर है इस करके तो सीधा जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, फिर इतना खतरनाक है।
ये रोड में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चहल पहल होता है, मतलब चलती रहता है गाड़ी बाइक से जो भी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं डोंडी ब्लॉक के एक गांव कोकान, जिससे कोकान घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और वहां से भी दल्ली राजा का जो माइंस है वहां का ज़बरदस्त व्यू दिखाई देता है दोस्तों। ये टूरा चिंगम खात है और ये शहीद विनारायण सिंह चौक है दोस्तों, ये वार्ड है, ये वार्ड नंबर 5। और इधर से जाते हैं मोनानी गांव, धोपनी पुतर वही इधर से जाते हैं। एक आध दिन लेगूँ तुम अल्ला, ऐसे वीडियो में तुम दिखा रहे हो नहीं देखे होते का कर दिया, जाके देख लूँ। और ये टावर तोड़ बहुत ही सुंदर रोड, इसे प्रधानमंत्री सड़क बोलते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ऐसी सड़क बनाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों यहाँ पे आवागमन के लिए। और आप लोग, मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ इसे मत कहना, टेस्ट ले रहा हूँ, बात करना भी नहीं आता है। भाई साहब आराम से चला रहे हैं लेकिन इधर उधर चला रहे हैं, अपने साइड में नहीं चला रहे हैं। तो थोड़ा सी स्पीड बढ़ाया जाए गाड़ी का आगे, क्योंकि चढ़ाई है कस के। और व्यू कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम लोग HF डीलक्स में हैं अभी, और इसका माइलेज भी ताबड़तोड़ है दोस्तों। मैं माइलेज के कारण ही गाड़ी को लिया हूँ। और स्पीड में अधिकतम मैं 60 में चलाया हूँ, ज़्यादा नहीं चलाया हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि इंजन को भी देखना पड़ता है। जो खुद लेते हैं ना गाड़ी, वो लोग समझते हैं गाड़ी का इंजन, गाड़ी का महत्व, लेकिन दूसरे का गाड़ी अगर चलाओ, मतलब दूसरे को दे दो तो समझता नहीं है दोस्तों। इसलिए अपना बाइक चलाओ और मस्त रहो, क्योंकि हमें खुद बनाना पड़ेगा इसे, इसलिए हम लोग सावधानीपूर्वक चलाते हैं। और मैं तो यहाँ पे आता रहता हूँ, ये जो सड़क है ये इन लोग नहीं आते हैं, सिंगन वही 8 किलोमीटर है भाई यहाँ से। और गाड़ी का एक से एक डिजाइन देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और इधर का व्यू आप लोग देख सकते हैं, ये दल्ली राजरा का पहाड़ी। हम लोग अभी घाटी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं थोड़ा से, उसके बाद घाटी आएगा, ठीक है। और झरना भी देखने को मिलेगा, मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो हो सकता है हम लोग यहाँ पे कुछ फोटो शूट भी करें। तो आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए, नाम तो पता हो गया, चैनल के नाम से ही हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी बनाया है। तो देखिए खतरनाक स्पीड में आ रहे हैं भाई लोग बिना हेलमेट के, हेलमेट है तो यूज़ किया करिए। और इधर देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त मैदान है, और इधर कौन तो गांव जाता है, पूरा सैगोन के पेड़ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। कुणाल बता दो कैसे आ रहा है, तिरसा फिरसा नहीं हो रहा है, हो रहा है तिरसा विरसा हो गया है क्या, ठीक तो लग रहा है, और क्या करें। देख सकते हो दोस्तों पूरा सागौन का पेड़ लगाया हुआ, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने यहाँ पे। उधर पूरा जंगल का पूरा वाट लगा दिए हैं, मतलब पूरा तहस नहस कर दिए हैं, पूरा लोहा निकाल रहे हैं, और इधर पेड़ लगा रहे हैं। अब इधर से शुरू होता है घाटी, थोड़ा से हम लोग देख सकते हैं कितना जंगल है, घना है, और इधर सागौन का पेड़ है। तो आप दल्ली राजरा से हैं और ये जगह से आप परिचित नहीं हैं तो आप दल्ली राजरा से नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है किले वाली है, महामाया मंदिर है, उधर साइड भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़बरदस्त मंदिर है। अब मैं यहाँ से अपना बाइक को बंद कर देता हूँ और सिर्फ ब्रेक के भरोसा रहता हूँ, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिकली ढुल रहा है। यहाँ पे ब्रेक काफ़ी ज़बरदस्त रोड है, इसके बाद फिर ढुलाव मिलेगा ना। देखिए वहाँ पे वॉच टावर बनाया गया है माइंस द्वारा, और यहाँ पे घाटी में साइकिल नहीं चला सकते इसलिए पैदल आ रहे हैं। और सावधानीपूर्वक यहाँ पे मैं तो गाड़ी बंद कर दिया हूँ, जरी धरे है कहाँ लाते थे बाबा आते। तो काफ़ी स्पीड में है, ब्रेक लगाना पड़ेगा नहीं तो सीधा चले जाएंगे हम लोग नीचे।
देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी इसे यही घाटी है। एंड जो ट्रैक्टर होता है ना, एक बार हम लोग ट्रैक्टर में आ रहे थे तो बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा था, इतना मतलब ढलाई है। हाँ, यहाँ से सिंगन वही 6 किलोमीटर है। देख सकते हैं जंगल कितना काला काला नज़र आ रहा है, डर लगता है ऐसे देख कर। चढ़ जा ही नूना है। देख रहे हैं हम लोग ने गाड़ी को बंद कर दिया है और गाड़ी अभी भी ढूल ही रहा है। यहाँ हम लोग उतर के थोड़े से बात करेंगे और आसपास का नज़ारा दिखाएंगे। वाटरफॉल कह सकते हैं, झरना है, पानी बहता रहता है, तो उसे भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक घाटी है। कैसा लग रहा है कुणाल? अच्छा लग रहा है। देखिए भाई ये है दल्ली राजा का व्यू। यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ है बहती है। देख रहे भाई कते हरे थे निकनिंग या बहुत मन है। सूर्य मंदिर, यहाँ पे मंदिर भी है और मंदिर को देख लेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा से हम लोग आगे जा के देखते हैं फिर आ सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा दुकान है, होटल है, ताबड़तोड़ यहाँ पे गड्ढा है। इसको ना हमारे सूरज भैया है एक्सप्लोर किए थे यही गड्ढा को, यही गड्ढा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे गड्ढा हो गया था तो मिट्टी उट्टी डलवा दिए हैं, तो न्यूज का भी ज़्यादा फायदा मिला यहाँ पे। फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कोकान घाटी में आ गए हैं और यहाँ छोटा सा वाटरफॉल बनता है, उसे भी आप लोगों को दिखाने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कोकान घाटी है और यहाँ पे पहले गड्ढा था, और सूरज भैया जो हैं हमार अधिकार करके न्यूज चैनल है उनका, और उन्होंने इसको दिखाया था तो इसको बंद कर दिया गया है, तो दुर्घटना से बच गए हैं। और यहाँ पर ये झरना आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है कोकान घाटी का छोटा सा वाटरफॉल और इसे स्टाफ डैम कहते हैं। वैसे तो स्टाफ डैम बनाया गया है पानी को रोकने के लिए, लेकिन उधर वाटरफॉल बनते हैं, उधर अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो ये जो पानी है दोस्तों सीधा जाता है इधर होते हुए तांदुरा जलाशय की ओर चला जाता है, तांदुरा नदी में मिल जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह से जगह आप लोगों को आने वाले वीडियो में मिलते रहेगी। दोस्तों इस घाट में एक मंदिर भी है, जय माँ कल्याणी दुर्गा सेवा समिति कोकान घाट, तो कोकान घाट के नाम से यहाँ पे मंदिर है। चलिए यहाँ जाकर देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसे है और आप लोगों को घर बैठे दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे कल्याणी माता का यहाँ पे मंदिर है और मूर्ति भी स्थापना किया गया है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ के चारों ओर का नज़ारा दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है और यहाँ पे माता जी विराजमान है, यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो नवरात्रि में काफ़ी अच्छा माहौल रहता होगा यहाँ का। दोस्तों यहाँ पे भगवान शिव विराजमान है और यहाँ पे नंदी महाराज शिव भगवान की ओर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जंगलों के बीच घाटियों में यहाँ पे शिव जी विराजमान है और काफ़ी विकराल रूप में यहाँ पे नजारा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो नवरात्रि में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता होगा। कुणाल कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। एक कुणाल और राहुल है और हम लोग तीनों एक साथ आए हैं। दोस्तों इस मंदिर परिसर में बाबा भैरवनाथ का मंदिर बनाया गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, कोकान घाटी दुर्गा माँ, और यहाँ पे बाबा भैरवनाथ
दरबार दिया गया है, तो आप लोगों को घर बैठे दर्शन करवाते हैं। ये एक हिंदू मंदिर है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति स्थापना किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान जी का मूर्ति स्थापना किया गया है यहाँ पे। साथ ही साथ नवरात्रि में ज्योति कलश का भी स्थापना किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग कोकान घाटी की ओर यहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ छोटा सा कुआं है और कुआं पटागी सुई पानी अच्छा है, और यहाँ ये जो छोटे से नंदी है दोस्तों, यहाँ पे शंकर भगवान और नंदी महाराज लिए स्थापित करे गए है। तो जय भगवान। और ये जो नंदी है दोस्तों, छोटे से नंदी है, आपने देखा तो ये जो नंदी है ना, आगे जो आपन झरना देखू वो यही झरना है दोस्तों, यही आगे चल के झरना बनाते है। और जंगल के बीच में आप मतलब कैसे लगे थे मतलब कमेंट करके जरूर बताओ। हम तो यहाँ एंजॉय करे वहाँ मजा आ गए। मजा आ गया यार घाटी देखने में। चलो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आके हम लोगों को। यहाँ कुछ देर हम लोग बैठेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। वाह यार दोस्तों, हम लोग इधर से गुजरते तो रहते थे, लेकिन रुक कर देखते नहीं थे, ठीक है, लेकिन देखने से अच्छा लगता था। और आज हम लोग रुक कर बैठे हैं, और यहाँ गजब का नज़ारा है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।